हेलो दोस्तों, तो हम अभी टिकट लेके अंदर पहुंच चुके हैं और ये पार्किंग हमने गाड़ी लगा दी है। और दो जनों का जो हमें इसका टिकट पड़ा है वो है 55 रुपीज़ का। एक्चुअली टिकट है 1 पर्सन 15 रुपीज़, तो 2 का हो गया 30 और 25 रुपीज़ हैं पार्किंग के। और ये कार पार्किंग का मे भी शायद 50 रुपीज़ होगा। तो अभी गाड़ी लगा के हम चलते हैं अंदर, तो मैं अंदर से आपको FRI विज़िट कराता हूँ। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। बने रहिए मेरे चैनल में बाबा घुमक्कड़। हेलो दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं FRI। तो अभी वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है आज, और निकले थे सुबह जैसा आपको बताया था कि विज़िट करेंगे कोई नई जगह। तो FRI जो है देहरादून की बहुत फेमस जगह है और बहुत खूबसूरत भी है, क्योंकि ये जो पीछे आप मेरे देख ही रहे होंगे बिल्डिंग दिख रही है, ये है अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंग, आज़ादी से पहले की। और ये जो है FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम है फुल फॉर्म जो है। यहाँ पर ना वर्ल्ड की जितनी भी पेड़ पौधों की वैरायटी है वो अवेलेबल है। समथिंग 3.30 लाख करीब वैरायटी है यहाँ पे अवेलेबल। और यहाँ अगर आपको आना है तो ये रास्ता भी बहुत इजी है, आप डायरेक्ट विक्रम या बस लेके यहाँ पे आ सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके। और आपके पास अगर अपनी बाइक है, कार है, तो भी आ सकते हैं। बाहर टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट ले लीजिए। कार पार्किंग इंक्लूड होता है उसमें, बाइक पार्किंग इंक्लूड होता है। उसके बाद आप अंदर आके और इस खूबसूरत बिल्डिंग को विज़िट कीजिए। और उसके बाद ये कि यहाँ पे म्यूज़ियम का जो है वो टिकट अलग से है। अगर आपको म्यूज़ियम विज़िट करना है अंदर, तो उसका टिकट अलग से है, वो हम अभी विज़िट करेंगे तो मैं आपको शो कराऊंगा। फ़िलहाल मैं बता रहा था FRI के बारे में कि खूबसूरत जगह है, अगर कभी आप आएँ तो यहाँ FRI ज़रूर विज़िट करें। और फेमस की बात करें तो आपको पता ही है, फेमस तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की जो शूटिंग हुई थी वो इसी, जो स्कूल बनाया था बच्चों का वो इसी बिल्डिंग में हुई थी। ये सामने का जोन पूरा स्कूल बिल्डिंग दिखाया हुआ था, वो उधर एक गेट है, मैं आपको शो कराऊँगा अभी। वहाँ से एंट्री होती है हीरो की, और फिर ये बिल्डिंग दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई है, और अंदर से तो और भी ज़्यादा सुंदर है। तो अभी हम चलते हैं बस, फिर विज़िट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, है एंट्री गेट। अब हम एंट्री करते हैं FRI में और मैं आपको शो कराता हूँ। और ये है म्यूज़ियम काउंटर दोस्तों, तो इसका टिकट लेते हैं हम यहाँ से, फिर म्यूज़ियम विज़िट करते हैं। दोस्तों ये टिकट ले लिया है म्यूज़ियम का, और ये ना 120 का टिकट है, पर पर्सन 60 रुपीज़ है। हम दो जने हैं तो ये मैं 120 का पड़ा है, म्यूज़ियम का टिकट है। इसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। और ये आप पीछे देखिए बिल्डिंग, ये ऐसे गेट हैं यहाँ पे बहुत सारे जिनमें एंट्री करते हैं। 1, 2, 3 करके ऐसे इन्होंने बनाया हुआ है, और बहुत खूबसूरत गेट हैं। और स्ट्रक्चर आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे, तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ म्यूज़ियम, शो कराता हूँ। वही बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। तो म्यूज़ियम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा है संग्रहालय आगे है, म्यूज़ियम दिस वे। तो म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। अभी यहाँ पे जितने भी गेट हैं ना वो सब ऐसे ही हैं, ये एंट्री गेट जितने हैं आपको सब इसी तरीके से मिलेंगे। बहुत खूबसूरत आर्किटेक्ट रहा होगा जो भी है। ये है म्यूज़ियम, हाँ तो म्यूज़ियम में एंट्री करते हैं फाइनली। दोस्तों वैसा अलाउ नहीं है, सही बताऊँ आपको, लेकिन आपके लिए सिर्फ रिस्क ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि म्यूज़ियम में कैसे कैसे सामान रखा जाता है। ये देखिए सेकंड म्यूज़ियम का रास्ता, ये एक और म्यूज़ियम है, इसमें एंट्री लेते हैं हम लोग। तो ये सेकंड म्यूज़ियम भी विज़िट कर लिया है, आप चलते हैं तीसरे की ओर। और इन सब का टिकट एक ही है दोस्तों, वही 60 रुपये का जो हमें पड़ा था, एक ही टिकट है। और उसके बाद बस आप एक बार टिकट लीजिए, फिर म्यूज़ियम विज़िट करते हैं। तीसरा दो हो चुका है, तीसरा विज़िट करते हैं। और फाइनली ये हमारा तीसरे म्यूज़ियम की ओर प्रस्थान। ये देखिए वे टू दिस वे अगेन द वन म्यूज़ियम, और ये म्यूज़ियम की ओर। तो तीसरा म्यूज़ियम भी हमने कम्प्लीट कर दिया, आप चलते हैं फोर्थ की ओर, फिर एक और है 5। तो ये देखिए म्यूज़ियम 4 की तरफ। तो अभी एंट्री करते हैं 4th संग्रहालय में, 1 की 8। चलिए
देखिए बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है इसका दोस्तों। अभी चलते हैं नए म्यूज़ियम की ओर। ये है हमारा नेक्स्ट म्यूज़ियम, चलो इसको भी विज़िट करते हैं। और देखिए आज जो है, जिस दिन हम ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं, ये संडे का दिन है, तो क्राउड भी अच्छा खासा है और वेदर तो मैंने आपको बता ही दिया। और बिल्डिंग देखिए, मैं आपको फुल बिल्डिंग शो कराता हूँ। म्यूज़ियम विज़िट कर लिए हमने सारे, अंदर फ़ोन और कैमरा अलाउ नहीं था, तो इसलिए जितना भी थोड़ा बहुत जो शूट हुआ है पिक्स वगैरह लिए वो मैं डाल दूँगा, आपको दिखा दूँगा। बाकी मैं आपको बिल्डिंग शो कराता हूँ, इसका पूरा स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है। ये देखिए इस टाइप से, ये वो सेंटर एरिया है जो मूवी में दिखाया गया है। ये लाइक फ्रंट में पार्किंग और पीछे पूरी बिल्डिंग, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। वीडियो कंप्लीट ही हो गई थी और हमने विजिट भी कर लिया था पूरा FRI, और मैं घुमा ही चुका था आपको। अब बस जाने की तैयारी थी, लेकिन तब तक यहाँ पे क्या हुआ कि बारिश स्टार्ट हो गई। अब वेदर देखो आप यहाँ पे इस टाइम पे, तो बारिश हो रही है और ये बिल्डिंग ना अब इतनी खूबसूरत लग रही है और बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आ रहे हैं। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको ब्लॉग में डालता हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा शॉर्ट लिया है। लेकिन अब मौसम तो बहुत अच्छा हो गया और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, तो मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।